नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 2 अन्योन्यक्ति विलास अवतरणों का संदर्भ हिंदी अनुवाद में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नित्रा नीचोस मेति त्व खेद कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरहस हृदयो यत परीक्षा गुण ग्रहितासी। उत्तर, नित्रा अत्यधिक नीचोस मेति नीच प्लस अस्मि प्लस इति मैं नीचा गहरा हूँ खेद दुख कदापि कदा प्लस अपि कभी भी माँ कृथा मत करो यत क्योंकि परीसा दूसरों के गुण ग्रहितासी गुण ग्रहिता प्लस असी गुणों को ग्रहण करने वाले हो रस्सियों को लेने वाले हो। संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अन्योन्यक्ति विलास पाठ से उदित है। विशेष, इस पाठ के अन्य सभी श्लोकों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग, इस श्लोक में कुएं के माध्यम से सज्जनों को यह संदेश दिया गया है कि उन्हें अपने आप को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अनुवाद, हे कुएं, मैं अत्यंत नीचा गहरा है, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले जलयुक्त और दूसरों के गुणों रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। भाव, हे गंभीर पुरुष, मैं अत्यंत तुच्छ हूँ ऐसा समझकर मन में खेद मत करो क्योंकि तुम सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। भाव यह है कि व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, यदि वह सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला है तो वह किसी से भी कम नहीं है। प्रश्न नंबर 2, नीर क्षीर विवेके हंसालय त्वमेव तनुषे चेत विश्व समी न धुनायन कुलव्रत पाल ईसयंती क। उत्तर, नीर क्षीर विवेके दूध और पानी को अलग करने में हसालय हस प्लस आलय हस आलय को करोगे तनु से करते हो चेत यदि विश्व समिनी न धुनान्य विश्व प्लस अस्मिन प्लस धनु ना प्लस अन्य। अब इस विश्व में दूसरा कुल व्रत कुल के व्रत को पाली सेति पालन करेगा कौन। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में हंस के माध्यम से लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति आलस न करने के लिए कहा गया है। अनुवाद, हे हंस, यदि तुम्हें दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। भाव, हे गुणग्राही पुरुष, यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस करोगे और उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल व्रत का पालन करेगा। भाव यह है कि कुलीन वृत्ति के लोगों को अपने कुल व्रत अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील विपेशु याव नमिद दलीमाल कोसपी रसाल समूल सती। उत्तर, यापय विताओ विरसान नीरस करील विपेशु करील के पेड़ों पर यावन याव मन मिल दलीमान यावत प्लस मिलद प्लस आलिमार जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त रसाल आम समूल सती सुशोभित होता है। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में कोयल के माध्यम से विद्यमान पुरुषों को सांत्वना दी गई है कि एक न एक दिन उनका अच्छा समय अवश्य आएगा, उन्हें धैर्यपूर्वक अपने बुरे दिनों को काट लेना चाहिए। अनुवाद, हे कोयल, तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भौरों की
पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। भाव, हे विद्यमान पुरुष, तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार बिता लो जब तक कि तुम्हें किसी गुणग्राही व्यक्ति का आश्रय नहीं मिलता है, अर्थात तुम्हारे अच्छे दिन अवश्य आएंगे। प्रश्न नंबर 4, रे रे चातक सावधान, मनसा मित्र क्षण युयतम अम्भोदा बहवे ही संति गगने सर्वेशति नेतादृशा केचित वृष्टि विराद्रंति वसुधा गर्जन्ति केचित वृथा यय पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा बुहि दीनवच। उत्तर, सावधान मनसा, सावधान चित से श्रीताम, सुनिए अम्भोदा, बादल नेत्रादृशा न प्लस इत्रादृशा ऐसे नहीं हैं, वृष्टि विराद्रयंती वृष्टि विधि प्लस आद्रयंती वर्षा करने करके गीला कर देते हैं, वृथा व्यर्थ यय जिस जिनको माँ बोही मत कहो, दिन वच दीनता भरे वचन। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में जातक के माध्यम से विद्वानों को यह संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को किसी के भी सामने याचक बनकर हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अनुवाद, हे मित्र चातक, तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे उदार नहीं हैं, उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ से व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस बादल को आकाश में देखते हो उसके सामने अपने दीनता पूर्ण वचन मत कहो। भाव, हे विद्यमान पुरुष, तुम क्षण भर मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। संसार में अनेक धनवान एवं समर्थ हैं परंतु सभी उदार नहीं होते, उनमें कुछ तो अधिक उदार होते हैं और कुछ अत्यंत कृपण। अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपना हाथ मत फैलाओ। प्रश्न नंबर 5, न वे तांडनाथ तापनाथ वही मध्ये न वे विक्रयात कलिसया मानो हमस्ति सुवर्णस्य में मुख्य दुख तदेक यतो मा जना गुज्या तोलंती। उत्तर, ताड़नाथ पीटने से वही मध्य तापनाद आग में तपाने से विक्रयात बेचने से क्लीस श्यामा नो हम समी कलिश्याम मन प्लस अहम प्लस अस्मि मैं दुखी नहीं हूँ। तदेक तत् प्लस एकम वह एक है गुज्जया रत्ती से गुजाफल से तोलंती तोलते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ण के माध्यम से विद्यमान और स्वाभिमानी पुरुष की व्यवस्था को अभिव्यक्ति दी गई है। अनुवाद, में स्वर्ण ने पिटने से न आग में तपाने से और न बेचने के कारण दुखी है। मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती चुंगची से तोलते हैं। भाव, विद्यमान स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं डरता है, उसका अपमान तो नीच के साथ उसकी तुलना करने से होता है। तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट उतना दुख नहीं देते जितनी पीड़ा मानसिक कष्ट पहुँचाते हैं। प्रश्न नंबर 6, रात्रि मिसंति भविष्यन्ति सुप्रभात भास्वानु दयन्ति हसिष्यन्ति प्रकंजाली इत्य विचिन्तयन्ति किशोगंते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज
उजहार। उत्तर रात्रि गर्मीयंती, रात्रि प्लस गर्मीयंती, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, भविष्यंती होगा, सुप्रभात सुंदर प्रभात। भास्वानु देय देशयंती, भास्वान प्लस उदयसयंती, सूर्य उदित होगा। हसी हसीसयंती खिलेगा, फड़क जाली कमलों का समूह, पंकज जाली कमलों का समूह। इत्थ इस प्रकार से, विचित यंती सोचते सोचते, कोश गते कमलपुट में बैठे हुए द्विरेफे भौरे की नलिनी कमलिनी को उजहार ग्रहण कर लिया। प्रसंग प्रस्तुत श्लोक में कमलिनियों के बंद भ्रम के द्वारा जीवन की अनिश्चितता के विषय में बताया गया है। अनुवाद कमलिनी के बंद भौरा सोचता है कि रात व्यतीत होगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य निकलेगा, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल पुट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते, हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। भाव मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुख के दिन काटता है, परंतु उसका वह दुख समाप्त भी नहीं हो पाता कि उसे मृत्यु ग्रस्त लेती है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य चाहे कितनी भी मधुर कल्पनाएं क्यों न कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं है होता, वही है जो ईश्वर चाहता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।